तो यहाँ सल बना, क्या बना? सल मतलब ये सल है, इसको क्या बोलेंगे? उष्ण वर्ण। तो तीन प्रकार के वर्ण आपके सामने आ गए, एक स्पर्श वर्ण और एक अंतस्थ वर्ण और एक उष्ण वर्ण। तो आप व्यंजनों की वैरायटी देखिएगा, किसी को कहा स्पर्श, स्पर्श का मतलब छूना, स्पर्श का मतलब, तो अर्थात वर्णों के उच्चारण के समय जो वर्ण किसी ना किसी आपके अर्गन को, आपके मुख को, आपके जिह्वा को, आपके तालु को, आपके कंठ को, आपके ओष्ठ को छूते हैं तो वो स्पर्श होते हैं। क्या होते हैं? हाँ आप बोलिए, क ख ग। और अपने कंठ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब आप क बोल रहे हैं तो कंठ में यहाँ हाथ रख के बोले क ख ग घ ग। हाथ नहीं भी रखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। च बोलिए, च। जीभ को देखिएगा कहाँ जा रही है, च। किसी को छू रही है, छ। ज किसी को छू रही है, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, भगवान की कृपा से बोल लीजिए, नहीं घूंघे रह जाएंगे। आप ये जान पाइए कि स्पर्श क्यों है। आप देखेंगे चा जहाँ जाकर के किसी को धीरे से टच कर देता है वही स्थान तालु है। और इसी को कहा इचियशा नाम तालु, इसी को कहा अपूर्व विसर्जनीया नाम कंठा, इसी को कहा ऋतुरशा नाम मूर्धा। तो कोई पूछे भाई कंठ कहाँ है, तो आप यही बता दो जहाँ से का निकलता है। बोले का कहाँ से निकलता है, बोले बोल के देख लो, बोल के देख लो। तो आप बोल के देख लीजिए कंठ कहाँ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कक्षा नौ में कोई बच्चा पूछे सर तालु कहाँ है, तो बोलो चा, बोलो चा, बोलो छा, जा, झा। तो जीभ किसी को छू रही है, अब थोड़ा जीभ को वहाँ छुआइएगा नहीं, प्लीज नहीं छुआइएगा प्लीज। अब बोलिए चा, छुआइएगा नहीं, वहाँ छूना नहीं, बोल के देखो तो आपको समझ आए। चा नहीं, छूना नहीं, गलत बात। ऐसे जीभ ऐसे स्ट्रेट रखिए, सीधी रखिए, ऐसे जीभ को रखिए। ऐसे सीधी रखिए, उसको ऊपर छूने मत दीजिए, फिर बोले चा। कितने लोग कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते हैं तो जहां जीभ जिस स्थान को छू रही वही आपका तालु ना। बोले सर हमारा तालु आगे है कि पीछे, ऐसे जैसे कभी कभी आपकी नाक दाएं बाएं हो सकती है, तो हो सकता है किसी का तालु अगल बगल हो, पर है वही स्थान जहाँ चा बोलते समय आपकी जीभ स्पर्श करती। अब बोले ट, जीभ को देखिए क्या करती है, कसरत करती है, ट ठ ड। बोल के देखिए जो उन बोले तिली तिला खाए, ट ठ। अब ट बोलने की कोशिश करिए, बोलिए कि नहीं एकदम एक्शन में आ जाए जैसे दौड़ने में, बोलने वाले होइए, बोलिए नहीं, बोलने वाले होइए कि अपना बोलना है बोलना नहीं है। तो अब देखिए जीभ कहाँ लगी है, जहाँ लगी वही मूर्धा है। जीभ जहाँ लगी है और जैसे लग के हटे वैसे टा आता है, बोलो टा था डा धा ना टा। बोलने वाले हैं तो जब आप बोलने वाले होते हैं वो मूर्धा। अब आप कक्षा नौ के बच्चे का मुंह खोल के तो मूर्धा सिखाओगे नहीं, कक्षा दस में पढ़ाने जाओगे बोलेगे सर ये मूर्धा कहाँ है, तो बोले बोलो टा बोलो बेटा, लो लल्लू पुप्पू चुप्पू टा बोलो, बोला नहीं कि जीभ छुआओ, तो बोलेगा हाँ सर हुआ छुए, बोले बेटा बाबू आया तोर मूर्धा। समझ में आया? अब आप किसी को जब भी ये जो पाणिनी ने नामकरण किया, अतः हमारे व्याकरण शास्त्र की, ये मैं आपको हंसने के लिए नहीं बता रहा था कि देखिए कितना बेहतरीन नाम है। कवर्ग इसलिए कवर्ग है क्योंकि का के वर्ग में पांच वर्ण क्यों रखे गए, कवर्ग में का चा टा ता पा नहीं रखा गया, कवर्ग में का झा झन्ना जा जहा डा डलिया ढा ढक्कन नहीं रखा गया, कवर्ग में काका का धांगा इसीलिए रखा गया। इनका क्रम डिसाइड किया गया क्योंकि पाँचों वर्ण कंठ हैं, उच्चारण के स्थान पर इनका समूह डिसाइड हुआ, वर्ग माने समूह। कवर्ग इसीलिए कवर्ग है क्योंकि इन पांचों का उच्चारण स्थान कंठ है। चवर्ग में चाचा जाझा यहाँ इसीलिए पांच वर्ण रखे गए क्योंकि इनका पांचों का उच्चारण स्थान तालु है। टवर्ग को इसीलिए टवर्ग में पांच अक्षर रखा गया क्योंकि टाठा डाढ़ा अणा का उच्चारण स्थान मूर्धा है।
आप देखें ता था दा धा ना, ये पांच वर्ण का ऊंचा स्थान दंत है, पा फा बा भा मा और उपु पद्मानी अनामोष्ठव आपको पढ़ाया गया, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अर्थात ये जो आप वर्ग विभाजन देख रहे हो ये अकॉर्डिंग टू उच्चारण स्थान कैसा है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान माने वर्णों का जन्म स्थान, दिस इज बर्थ प्लेस। पा पैदा होता है ओष्ठ से, ये उसका जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान माने वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्ण का उच्चारण माने वर्ण का जन्म, जब तक कोई वर्ण उच्चरित नहीं हुआ माने वर्ण का जन्म नहीं हुआ। तो वर्ण का जो उच्चारण स्थान है तो आपकी भाषा में कहें कि वर्ण का जन्म स्थान। तो जैसे आपकी जन्म डेट और जन्म प्लेस पूछा जाता है, ऐसे ही परीक्षाओं में वर्णों का भी जन्म प्लेस पूछा जाएगा कि प है तो प कहाँ से निकलता है। वैसे तो सारे वर्ण मुँह से ही निकलते हैं, लेकिन मुँह में भी सारे अलग अलग प्रकार का वो आखिरी स्थान, जिस आखिरी स्थान से वो वर्ण आगे आ जाता है। तो आपने देखा कि हो सकता है वायु आप पेट से लेते हैं और सीने में भरते हैं, फिर बनाने के लिए आप पा बोलते हैं, बोले पा बोलेंगे वो तो होंठ क्या करते हैं, बंद करते हैं, फिर होंठों को बंद करके क्या करते हैं। अब एक बार कोशिश करके देखिए कि होंठ आपस में मिले ही नहीं, हमको पापा बोलना है, पापा मिलाना नहीं है, पापा बोलना है। पा तब तक जन्म नहीं ले सकता। तो जो लोग ये कहते हैं कि सर ओष्ठ ही जन्म स्थान क्यों है, पा का ओष्ठ ही क्यों उच्चारण स्थान है, इसीलिए कि जीभ तो है, मुंह तो है, सांस तो है, फेफड़ा तो है, तुम्हारे दांत तो है, तुम्हारी मूर्धा तो है, तुम्हारी तालू तो है, फिर ओष्ठ के अलावा फिर पा क्यों नहीं निकल रहा है। अर्थात वो आखिरी अंग, जो अंग रोल प्ले करे तभी वो वर्ण आए, इसीलिए उसका उच्चारण स्थान कहा। तो यदि हो सकता है किसी को ये कन्फ्यूजन हो कि सर सबका उच्चारण स्थान एक होना चाहिए मुंह, तो हम आपको ये बता रहे हैं मुंह तो है क्या, हमने आपका मुंह ले लिया क्या। तो हमने तो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया कि पा को बोलते समय होंठों का यूज मत करिए, यदि आप पा बोल सकते हैं तो मैं मान जाऊँगा कि पवर का उच्चारण स्थान मुंह होता है, और यदि आप बिना होंठ के उच्चारण के पा 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 माँ नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब उपु पद्मानी अनाम ओष्ठव, ये सही है। ध्यान रखना लिखा है ओष्ठव, क्या लिखा है ओष्ठव, मतलब दोनों होंठ। ईश्वर ना करे जैसे मान लीजिए एक होंठ को ही आप पकड़ लें और ऊपर वाले होंठ को खुला छोड़ दीजिए, फिर बोलिए पापा ये भरना रहे, इसीलिए नहीं उपु पद्मानी अनाम ओष्ठा नहीं कहा, क्या कहा, दोनों होंठ चाहिए, दोनों को मिलना है, फिर दोनों को अलग होना है, तभी क्या होगा पा फा पा भा, ऐसे बा बोलिए। होंठ मिले नहीं, अर्थात ये पक्की बात हो गई कि कंठ ना हो तो काका का गांगा निकलना मुश्किल होगा। तालू एक ऐसा स्थान है जहाँ को टच करके चवर्ग निकलता है, मूर्धा एक ऐसा स्थान है जहाँ को टच करके टाटा डाढ़ाणा निकलता है, दंत ऐसे स्थान है। इसीलिए आपने देखा कि जब बूढ़ों के दांत टूट जाते हैं तो जब वो कुछ बोलते हैं कहाँ तक तकलीफ, तो जो ता में दांत में अड़ना चाहिए जीभ को, तो जब ता था दा ऐसे निकलता है, इसीलिए बूढ़े इस वर्ण को, ये उनका तवर्ग गड़बड़ा जाता है। बूढ़ों का तवर्ग क्यों गड़बड़ा गया, क्योंकि उनके दांत गड़बड़ा गए। और आप ना हो तो आप अपने दांतों को उखाड़ के एक बार ट्राई मार सकते हैं कि आपका तवर्ग गड़बड़ हो जाएगा यदि आपके दांत चले जाएं तो। अर्थात हमारे व्याकरण शास्त्र में प्रत्येक वर्णों का जो सिस्टम है वो जो किसी को होंठ किसी को दंत, और आगे कहा वकारस्य दंतोष्टम जीवामूलीयस्य जिह्वामूलम, और आगे कहा कि भाई नासिका अनुस्वारस्य नासिका से अनुस्वार का, इसीलिए हम कम खम गम ङ ऐसा बोलते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान अंगा का कंठ है तो कंठ तो है ही, साथ में नासिका बताया। इयाँ का जो उच्चारण स्थान तालु है, तालु तो रहेगा ही लेकिन साथ में नासिका बताया। ये मंगणना नाम नासिका अच्छा, ये मैं आपको इसलिए इस प्रकार से बता रहा था कि आप इसको पढ़ चुके हैं इसके पहले भी, और यहाँ मैं संक्षेप में आपको बता ये रहा था कि आपको स्वरों को बताना पड़ेगा, फिर व्यंजनों को बताना पड़ेगा,
स्वर व्यंजनों का विभाजन बताना पड़ेगा और उन्हीं स्वर व्यंजनों के विभाजन में हमने पढ़ा किसी को स्पर्श। अब अंतःस्था, अंतस्थ में है अंतःस्था, स्था माने स्थित, स्था माने तो आप बोलिए या व र ल, या व र ल। एक बार आप बोलिए पा, बोलिए का, चा, टा। आप थोड़ा सा यदि कंसंट्रेट होकर देख पाए तो जब आप बोलते हैं पा तो ऐसा लगता है जैसे पा को हमने भीतर से बाहर फेंका, ऐसा लगता है जैसे पा पा फा बा, ऐसा लगता है जैसे मुंह से हमने वर्ण को बाहर निकाला। अब बोले या, 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 कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? जैसे या को हमने धक्का मार के बाहर नहीं निकाला, बोला तो लेकिन वो वर्ण अंदर ही, इसीलिए अंतस्थ है, इसीलिए क्या है, इसीलिए ये अंतस्थ है। और ये हमारे व्याकरण शास्त्र की कितनी खास खूबी है कि हम आपको कहें यावर आला रटो, हम आपसे कहें काका काका अंगा स्पर्श व्यंजन है इसको सर कोई टिक बता दो, यार इससे बड़ा व्याकरण शास्त्र में जो ट्रिक पाणिनि की है, जो वरद राज की है, आप खुद करके देख लो, इसका नाम है अंतस्थ। तो कहा सर कि साका साहा को और यावर आला को हम भूल जाते हैं, कौन ऊष्म है कौन अंतस्थ है, तो यार परीक्षा में बोल ले या, 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 रा, ला, तो कोई बोलेगा कि कबे यावर आला बोले, क्या बोले बे, नकल की नकल हो जाएगी, समझ आ जाएगा, फिर बगल वाला कहेगा भी कि यावर आला ऊष्म है, लगाओगे, कहेगा कि यावर आला स्पर्श है, करोगे? अर्थात खुद क्यों नहीं करके देख लेते कि कौन स्पर्श है कौन अंतस्थ है और कौन ऊष्म है। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्म का मतलब होता है एनर्जी, ऊष्म का मतलब होता है आपकी ऊर्जा, ऊष्म का मतलब होता है आपकी सांसें। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने में आपकी एनर्जी, आपकी ऊष्मा, आपकी सांसें ज़्यादा खर्च हों वो ऊष्म वर्ण हैं। बोलिए सा, शा, शा, हा, हा, हा। ऐसा लगता है हा बोल करके आपने माने पूरी अपने शरीर की एनर्जी बाहर कर दी हो, हा नहीं बोलते, हा क्या बोलते हैं, हा सा। और आगे आप थोड़ा हाथ रख लें फिर बोलिए सा, सा, शा, हा, 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 और पास ले जाइए हा, फिर बोलिए का, का। हाथ रख के देखो तो समझ आएगा आपको, पहले बोलिए हाथ एकदम रख के बोलिए का, का, फिर बोलिए हा, का, हा, का, हा, का, हा, या, हा, या, हा। अब बताओ कौन वाला क्या है, क्या में का में भी उतनी ही एनर्जी बाहर निकल रही थी जितना हा में, जितना या में नहीं, इसीलिए का है या है और साका साहा क्या है, ऊष्म है। अब बेहतर यही होगा कि आप, ये संस्कार भी कहा जाता है कि जब आपको खांसी आए या आपको जम्हाई आए तो आप हाथ आगे रखो, परीक्षा में पूछे कि निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन है तो आप धीरे से आगे रख लीजिए और जो चार विकल्प हैं चारों को बोल लीजिए, जिसमें ज़्यादा ऊष्म निकलेगी उसको मेरे कहने से आप ऊष्म वर्ण लगा के चले आना। और इससे बड़ी और ट्रिक आपको क्या बताऊँ, बोलिए। अब यदि आपको भूल जाए कि नहीं सर ये ऊष्म वर्ण हैं, ये अंतस्थ हैं कि ये स्पर्श हैं, माना कि कादेव मावसाना स्पर्शा भूल गया, माना कि यणवंतस्था भूल गया, माना कि शल ऊष्माणा भूल गया, शल प्रत्याहार में कौन वर्ण है ये भी भूल गया, यण में कौन आता है ये भी भूल गया, तो क्या आपको चार विकल्प जो पेपर में होंगे निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ वर्ण है, तो आपको बोल के देख लो चारों, जो अंदर ही अंदर ज़्यादा स्थित समझ में आए वो अंतस्थ है, जिसमें ज़्यादा ऊष्मा निकले वो ऊष्म है, जो कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहे हैं वो स्पर्श हैं। अब आप सोचना 25 वर्ण क्या है, चार वर्ण क्या है और चार वर्ण क्या है, टोटल कितने हुए, कितने हुए, 25 चार, 29 चार, इसीलिए व्यंजनों की संख्या कितनी है, कितनी है, 33 है। बात समझ में आई, इन 33 का त्रिविध विभाजन होता है। कुछ वर्ण ऐसे हैं काश्य मातक जिनको स्पर्श कहा,
उसके बाद आपने देखो काका का गंगा पापा मम्मा जब आप बोल देते हैं तो फिर बोलते हैं यावर आला। क्या बोलते हैं? ग्यारह लावा साख। और उसके बाद ग्यारह लावा के बाद साखा शाह। क्या बोलते हैं? ऐसे विभाजन भी हुआ है, पहले स्पर्श उसके बाद अंतस्थ उसके बाद ऊंच। तो क्या कच्चा एक से पढ़ते हुए आप ककहरा भूल जाओगे? ककहरा में काका का गंगा से ता से माँ तक स्पर्श हो गया, इसके बाद माँ के बाद पापा पापा माँ के बाद क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? यावर आला। इसके बाद क्या पढ़ोगे? साखा साहा। क्षात्राज्ञा तो हमारे यहाँ संयुक्त अक्षर माने गए हिंदी में, जो क्षात्राज्ञा है ये का और शा का योग है क्षा, ता और रा का योग है त्रा, जा और यहाँ का योग है ज्ञा, ऐसे संयुक्त अक्षर भी हैं। इसीलिए हमारी जो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत बेहतरीन सिस्टम बनाया गया कि यार ये 33 हैं, अब इन 33 से आप बहुत बना सकते हो। क्षा बना लो, त्रा बना लो, ज्ञा बना लो, श्रा बना लो, प्रा बना लो, क्रा बना लो, ट्रक का ट्रा बना लो। तो जो ट्रक में आप टांगे और रा मिलाते हैं तो ट्रा बन जाता है, जब का में रा मिलाते हो तो क्रा बन जाता है, जब पा में रा मिलाते हो तो प्रा बन जाता है, जब का में क्षा मिलाते हो तो क्षा बन जाता है, जब ता में रा मिलाते हो तो त्रा बन जाता है, जब ज्ञा में यहाँ बनाते हो तो फिर क्षात्राज्ञा ही क्यों? ऐसे तो बहुत हैं, तो हम इसीलिए क्षात्राज्ञा नहीं पढ़ते। क्यों? क्या आप क्षात्राज्ञा के अलावा नहीं है तो फिर ये क्या है? फिर प्रकार में ये क्या है? बोलिए ये सब क्रा भी वही है जो क्षा है, प्रा भी वही है जो ज्ञा है, अथवा श्रा भी वही है, सा में क्या है? रा है। तो ऐसे तो बहुत सारे वर्णों का हम यूज करते हैं कि दो दो व्यंजनों को मिलाकर हम कोई एक नया व्यंजन बनाते हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही इनको हम सबको संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे अक्षर जो दो व्यंजन के मिलने से बनते हैं, ऐसे बहुत बन सकते हैं। इसमें क्षात्राज्ञा हम लोगों ने उसको अपनी वर्णमाला में शामिल नहीं किया। हो सकता है कोई आपसे सवाल करे कि भाई क्षात्राज्ञा को आप लोग वर्ण क्यों नहीं मानते हैं, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि भाई क्षात्राज्ञा को आप वर्ण मानते हैं तो फिर श्रा को क्या मानते हैं, फिर क्रा को क्या मानते हैं, फिर प्रा को क्या मानते हैं? तो फिर सबको ककहरा में गिनना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने उतना ही गिना जितने मूल हैं, जितने क्या हैं? मूल हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ों को अयोगवाह कहा। क्या कहा? अयोग। योगवाह का मतलब हुआ जो युक्त हैं, जो जुड़े हैं, और अयोगवाह माने जो हमारी वर्णमाला में, हमारी वर्ण मात्रिका में अथवा हमारे 14 सूत्रों में जिनकी गिनती नहीं हुई वो हैं अयोगवाह। क्या हैं? समझ में आ गया? हम वर्णमाला की ही चर्चा कर रहे हैं आपसे। योग माने, योग माने और ना योग, ना योग माने। अब अयोगवाह का भी अर्थ आप जान लें, अर्थात जो हमारे अयुण रिलिंग एयोंग अयोच हैवरत लण एवं गणनम झवय घड़धर जब गढ़ कप चतर चढ़ कपय सक्सर हल, इस वर्णमाला में इस 14 सूत्र में युक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वर्णमाला को वहन करता है, हमारी भाषा में वहन करता है, अस्तित्व रखता है, उन ऐसे वर्णों को हमने अयोगवाह कहा। क्या कहा? अब ऐसे अयोगवाह हमारे यहाँ संस्कृत शास्त्र में जो प्रयोग किए गए उनमें कहा, एक को हमने अनुस्वार कह दिया, एक को हमने विसर्ग कह दिया, एक को हमने जिह्वामूली कह दिया, एक को हमने, हम आगे पढ़ेंगे तो आप इनको देख पाएंगे। आप देखेंगे अयुर्लिंग एयोंग अयोच इत्यादि में कहीं भी अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूली उपद्माने की चर्चा नहीं है। यदि होती तो ये भी योगवाह होते, यानी हमारे यहाँ जो आ ई उ ऋ ऋ इत्यादि हैं ये सब योगवाह है, अर्थात ये युक्त हैं, ये वर्णमाला में गिने गए हैं, इनकी गिनती है। और जो योग नहीं है, जिनका योग नहीं है, जिनको हमने वर्णमाला में नहीं पढ़ा, उनको क्या कहा? अयोगवाह। इनको अलग से कहा। अब यदि आप भरतराज की लघु सिद्धांत पढ़ रहे हों तो उसमें आप इनकी परिभाषा को देख पाएंगे। इन्होंने अयोगवाहों के लिए कहा कि वर्ण वो होते हैं अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूली। अब अनुस्वार विसर्ग के लिए कहा कि अम अहः इत्यचः परौ अनुस्वार विसर्गौ। यदि आप अपने लघु सिद्धांत कौमुदी लाए हों तो उसमें देखेगा ये परिभाषा आपको मिलेगी कि अम अहः इत्यचः
परहु अनुस्वार विसर्ग, यानी अनुस्वार और विसर्ग की परिभाषा साथ में बताई। अनुस्वार और विसर्ग की परिभाषा कैसे बताई? साथ में उदाहरण दिया कि अम और आहा। भाई आ की गिनती तो है, आ की गिनती तो अयुण के आ में है ना, लेकिन आ के ऊपर ये जो बिंदी है इसकी गिनती नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि अम महा इति अचह, ये क्या है? अच है। ये क्या है? ये भी क्या है? और अच के पर में अम महा इत्यचह परउ, जो उनके पर में रहे वो एक का नाम अनुस्वार और एक का नाम विसर्ग। तो पहले क्या है अम, पहले क्या है? तो अम में जो आ के ऊपर बिंदी है वो क्या है, और अहा में जो आ के बाद दो बिंदी है। परिभाषा लिखी है कहाँ? लघु सिद्धांत कौमुदी में। अम अहा इत्यचह पर अनुस्वार विसर्ग, अम अहा इत्यचह पर अनुस्वार विसर्ग। तो अम अहा को प्रैक्टिकली बताया कि आ के ऊपर जो बिंदी है और आ के बाद जो दो बिंदी है इनको अनुस्वार विसर्ग कहेंगे। अब ध्यान रखना, जैसे आप यहाँ देखते हैं रामम कृषकम, या देखते हैं रामा, या बोलते हैं कृषका, तो ये माँ के ऊपर अनुस्वार है। किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? नहीं, माँ के ऊपर नहीं है, माँ में जो आ है उसके ऊपर है। क्योंकि जो अनुस्वार और विसर्ग बताया गया, ये बताएगा कि अच के बाद होता है। आप देखें राम में रा है, आ है, फिर माँ है, और इसके बाद आ है, इसके बाद क्या है? रामम में रा है, फिर आ है, फिर माँ है, फिर आ है, और आ के बाद क्या है? तब रामम बना ना। ऐसे ही यहाँ भी रामा में पहले रा है, फिर आ है, फिर माँ है, फिर आ है, फिर क्या है? तो आप हमेशा ये जानिएगा कि जो अनुस्वार और विसर्ग होता है वो स्वर के पर में होता है, स्वर के। अब यहाँ तो आपने आ के बाद देख लिया, जैसे हम यहाँ कहें रवि, क्या लिखा है? रवि ही रवि ना, मुनि ही मुनि, गुरु हूँ गुरु। बोलिए यहाँ ये क्या है? ये अनुस्वार है। किसके बाद है? ई के बाद। ई क्या है? स्वर है। परिभाषा यही कही गई कि अच के बाद जो आए वो अम में अम की तरह है तो क्या है? अनुस्वार है, और अह की तरह है तो क्या है? तो आपने रामम में देखा कि आ के बाद है तो भी क्या है? अनुस्वार है। मुनिम में देखा कि ई के बाद है तो भी क्या है? गुरु में देखा कि ऊ के बाद है तो भी क्या है? समझ में आ गया? अर्थात आ ई ऊ री ली ए ओ आई और किसी के भी बाद होगा वो अनुस्वार होगा, जनरली स्वर के बाद होगा। किसके बाद होगा? आगे परिभाषा में आप पढ़ेंगे यही अनुस्वार कहीं मकार होता है और वो मकार कभी अनुस्वार होता है, ये संधि का विषय होगा, आप आगे पढ़ोगे कब अनुस्वार विसर्ग होगा। ऐसे आप विसर्ग को भी देखेंगे, कभी विसर्ग रेफ होगा, कभी विसर्ग सकार होगा, कभी सकार को विसर्ग होगा, ये संधि का विषय है। लेकिन विसर्ग का अपना अस्तित्व है, जब भी होगा तो किसी ना किसी स्वर के बाद होगा। जब भी अनुस्वार और विसर्ग होंगे तो किसके बाद होंगे? स्वर के बाद होंगे। आप ऐसा नहीं देखे होंगे, शायद आपने ऐसा प्रयोग नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि रामम में जो माँ है ये व्यंजन है, और व्यंजन के बाद कभी भी आपने विसर्ग का इस प्रकार का अस्तित्व तो शायद नहीं देखा होगा। समझ में आया? हाँ, ऐसा आपने देखा होगा कि आप माँ में आ है फिर ऐसे रहे, अथवा कहीं कहीं आपने ऐसा देखा होगा कि रामम को वो अनुस्वार ही मकार है, वो अनुस्वार को ही मकार हुआ। क्यों हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे कि अनुस्वार मकार कब होता है, मकार को अनुस्वार कब होता है। लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि कम से कम आप ऐसा तो नहीं देखे होंगे, ना तो आप कभी ऐसा देखे होंगे ना, और ना ही कभी आप ऐसा देखे होंगे, और ना कभी देखेंगे। क्यों? जिसको देखेंगे वो कम से कम अनुस्वार और विसर्ग तो नहीं होगा, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग की परिभाषा ही है
कि अम महा इत्यच अम परऊ अनुस्वारे विसर्गो। समझ में आ गया, अर्थात अनुस्वार ये अयोग वाहों में एक वर्ण है अनुस्वार, और अयोग वाहों में एक वर्ण क्या है, तो आप अनुस्वार जान गए, आप विसर्ग जान गए। अब इन्होंने कहा जिह्वा मूली, तो बोले क ख इति कखाभ्याम प्राक, कखाभ्याम प्राक, प्राक माने अर्ध विसर्ग सदृश, आधे विसर्ग जैसा जीवा मूली। समझ में आ गया, इसको देखना जीवा मूली की परिभाषा बताई। हाँ कोई पूछे सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिद्धांत कौन थी जो हम पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं वो अपने से बना बना के बता रहे हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में, हाँ ये सही है कि लघु सिद्धांत कौमुदी खुलवा करके सूत्र हलंत्यम तत्स्वरूपा से नहीं पढ़ा रहे। क्यों, आप हलंत्यम तत्स्वरूपा से बहुत बार पढ़े होंगे, पर शायद जो आपने इस तरह से आज पढ़ा, ये कक्षा 9-10 में 6-7-8 में 11-12 में पढ़ाने लायक बात पढ़ी, जिसको आपको जाके जब व्याकरण की शुरुआत करें तो यहाँ से पढ़ाएं, बात वही है। क्या हम कुछ अपने से बता रहे हैं, स्वर की चर्चा चली, अवर्णों की चर्चा चल रही है, तो मैंने आपसे कहा कि कथाभ्याम का और खा के, का और खा के पहले, कथाभ्याम प्राक, प्राक माने आधे विसर्ग जैसा, कैसा, ये तो फुल विसर्ग है, ये फुल विसर्ग है, आप इसको ऐसे आधा काट दो, इसको भी आधा काट दो, तो ये जो बना ये क्या है, ये आधा विसर्ग है, ये क्या है। हाँ तो आपको ये सवाल, इसीलिए मैंने पहले क्या लिखा, पूरा विसर्ग लिखा, पहले आप ये जानो प्राग विसर्ग, लेकिन कैसा विसर्ग, आधा विसर्ग, ये तो कुल विसर्ग, इसको आधा मान लो, इधर आधा कट कर दो, 50% इधर कर दो, ये जो बना ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि परिभाषा में लिखा है कि का और खा के पहले आधे विसर्ग के जैसा अर्ध विसर्ग सदृश, यही ना लिखा है, कथाभ्याम प्राग, कथाभ्याम अर्ध विसर्ग सदृश वो जीवा मूलिया, बोलिए हाँ वो क्या, तो का और खा के पहले, का और खा के पहले यदि ऐसे मिलता है, ये सेंटेंस बनाया, आप आगे पढ़ेंगे कह पो कुपो चा, आगे सूत्र पढ़ेंगे कि ककार और पकार के पहले यदि विसर्ग आए तो उसको विकल्प से जीवा मूली हो जाए, नहीं तो विसर्ग रहे, विसर्ग संधि आप पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ऐसी स्थिति में कुपोह कपोचा बालक, ये विसर्ग था, आगे क्या था करोति, इसका के पहले क्या है, अच्छा बालक का हटा दिया, नहीं तो आपको का इधर भी दिखेगा उधर भी दिखेगा तो आप गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि का के बाद भी है और का के पहले भी है, तो बालह कर लीजिए, मान लो बालह है तो या तो ला के बाद है, तो ला के बाद जो विसर्ग हो वो जीवा मूली हो, ऐसा तो नहीं बताया गया, का के पहले होना चाहिए, तो करोति में पहले क्या है, ध्यान में रखना करोति में पहले का है तब आ है, करोति में आ भी है लेकिन पहले क्या है, तो इस का के पहले ये विसर्ग माना जाएगा, बोलिए हाँ का के पहले है इसीलिए जीवा मूली, का के पहले इसीलिए क्या है, आगे देखना रामा खादती, खा के पहले विसर्ग है, विसर्ग भी हो सकता है, आप ये नहीं सोचेगा कि नहीं का और खा के पहले जो होगा सब जीवा मूली हो जाएगा, जीवा मूलियता होना ना होना ये वैकल्पिक, ये क्या है बालह करोति ऐसा लिखा हो तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आधा विसर्ग सदृश जो जीवा मूली है वो जीवा मूली भी हो सकता है और विसर्ग भी हो सकता है, यदि बालह करोति प्रयोग मिलता है मतलब सही है, और बालक करोति में आधा विसर्ग मिलता है तो भी सही है, क्योंकि ये संधि का नियम जो कहता है वो वैकल्पिक करता है, मैं उस वैकल्पिक की बात करता हूँ। अभी रामा खादती, आगे क्या है खा, और खा में क्या है आ, पहले खा है तब आ है, उसके पहले क्या है, तो ये विसर्ग आधा विसर्ग हो सकता है, ये जो अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह बनेगा का और खा के पहले, इसको क्या कहेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, और इसका उच्चारण स्थान कंठ के भी नीचे, आप जहाँ से जिह्वा का मूल है, मूल माने जड़, तो जो जिह्वा की जड़ है वहाँ से ये उच्चरित होता है, इसलिए आप इसको बोलते हैं बालह करोति, बालह करोति। अब देखिए जब आप कहते हैं बालह करोति, तो बालह में आप विसर्ग पूरा बोल रहे हैं, बालह क्या बोलते हैं, बालह,
रामहा, क्या बोलते हैं राम, हमें विसर्ग पूरा बोल रहे हैं कि नहीं, और यहाँ विसर्ग लिखा कितना है आधा, कितना लिखा है तो आधा जो लिखा है उसको पूरा काहे बोल रहे हैं, बोलिए जो आधा लिखा है उसको आधा बोलना है, तो आधा विसर्ग बोलने का उच्चारण था, अर्ध विसर्ग ही है, अर्ध विसर्ग सदृशा, आपसे पूछ लेगा सवाल अर्ध विसर्ग सदृशा वो क्या, जीव अनुलिया, लेकिन किसके पहले, का और खा के पहले, ये कंडीशन, यदि यही चीज गा के पहले है, चाचा दादा के पहले है, टाटा दादा के पहले है, अर्ध विसर्ग केवल का और खा के पहले जो होगा वही जीवामूली होगा, कंफर्म है आप, कोई दिक्कत, अब आधा है तो आधा बोलना, जैसे आप इसमें बालक करोति रामक खादति, रामक खादति, रामक खादति, क्या बोल रहे हैं रामक खादति, रामक खादति, रामः खादति, रामः, ये पूरा है रामः, पूरा है रामक खादति, आधा है बालकः करोति, बालकः करोति, पूरा है बालकः करोति, बालकः करोति, ये आधा है, आधा विसर्ग सदृश जो होगा वही जीवामूली होगा, कोई दिक्कत, कर लेंगे, जीवामूली का उच्चारण स्थान जीवा का मूल, जीवा का मूल बोले सर कहाँ होता है, जहाँ तुहान जीव जहाँ से जुड़ी, अब सबकी जीव मान लो कनेक्शन अलग अलग से है तो हम उसको क्या बताएंगे, जहाँ से जीव तुम्हारी जुड़ी हो वही तुम्हारा जीवामूली है, समझ में आ गया, तो हर व्यक्ति का जीवा हो सकता है भगवान एक ही जगह से कनेक्शन करते हों, पर हो सकता है थोड़ा किसी का ऊपर, थोड़ा किसी का इंच दो इंच नीचे, इसलिए आपकी जीवा का जड़ जो है वही जीवामूल है, ध्यान में रखना ये दो नहीं है ये एक है, जीवामूली का और खा के पहले, का के पहले जो है ये आधा विसर्ग जैसा और ये अलग अलग है क्या, अर्थात का और खा ये जीवामूली नहीं है, जो का और खा के पहले चिन्ह है वो जीवामूली, तो का और खा के पहले लोग ये कहते हैं जीवामूली कितने बोले दो, बस दो कहाँ, तो फिर अनुस्वार आप कितना कहोगे, कम हम गम, गम तो अनुस्वार बोलो कैठो है, अनुस्वार के लिए बोलते हो कि एक है, अनुस्वार कितना है, तो कभी का के ऊपर है, का में जो आ है उसके ऊपर है, कभी मुनिम में ई के ऊपर है, तो अनुस्वार तो एक है, बोलो हाँ, ऐसे ही ये जीवामूली एक है, का के पहले आएगा तो भी वही आधा विसर्ग जैसा चिन्ह है, खा के पहले आएगा तो भी आधा विसर्ग जैसा चिन्ह है, कोई दिक्कत, इसीलिए जीवामूली बोलने कितने एक, और अनुस्वार कितना एक, विसर्ग कितना एक, और पदमानी कितना, इसीलिए कहा अयोगवाह चार, अयोगवाह कहीं कहीं पाणिनी इत्यादि शिक्षा में यम वर्णों को भी अयोगवाह मान करके पांच प्रकार के अयोगवाह बताए, लेकिन फिलहाल आप चार अयोगवाह जाने, अनुस्वार विसर्ग जीवामूली और उपदमानी, और इनकी संख्या एक 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 एक, ठीक हो गया, जब ये का खा के पहले आए तो जीवामूली, और पा फा के पहले आए तो, पा और फा के पहले आए तो कितना आधा विसर्ग जैसा, कैसा आगे लिखा है पक फ इति पफाभ्याम प्राप्त अर्ध विसर्ग सदृशा उपदमानीय वरदराज के लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी, प और फा के पहले आधा विसर्ग जैसा कुछ आ रहा है, अब देखना का खा के पहले चिन्ह वही है, का खा के पहले आए तो प और फा के पहले आए तो चिन्ह में कोई अंतर नहीं है, आप इसको देखिएगा वृक्षा पतति, बोलिए और ऐसे एक और प्राक लिख लीजिए वृक्षा फलति, ये पा है और पा के पहले क्या है विसर्ग है ना, आधा विसर्ग जैसा हो जाएगा तो यहाँ आधा विसर्ग जैसा होगा तो ऐसे चिन्ह में लिखा रहता ना ऐसा ऐसा, ऐसे कर देंगे तो पूरा है और आधा लिखेंगे तो प और फा के पहले हो, तो वही जो जीवामूली जिसको आप पढ़ रहे थे वही चिन्ह जो का खा के पहले आ रहा था तो क्या था, वही चिन्ह जब प फा के पहले आएगा तो बोले सर पा के पहले आया एक, फा के पहले आया एक, नहीं चिन्ह वही है, इसलिए पा में भी एक फा में भी एक, इसलिए उपदमानी कितने एक, जीवामूली कितना विसर्ग कितना अनुस्वार कितना, ये चार जो योग नहीं था जिनका किससे अयुण रिलिंग अयोग अयोग छवरट इत्यादि में जिनका योग नहीं था,
इसीलिए अयोगवा हो गए। अब वर्णमाला के क्रम में आप इतना जाने, कल मैं आपको प्रत्याहारों की चर्चा करूंगा और आगे प्रत्याहारों की बात बताऊंगा। आप ये जाने रहे कि 8:30 बजे से जो हम पढ़ाए हैं अभी तक, ठीक वही चीज आपको पढ़ाएंगे 10:30 से 11:30-12 तक। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि 11:30-12 के बाद जो लोग बैठे रहेंगे उनका जो नीति शतक का हिस्सा बाकी है, खासकर TGT से जो लोग जुड़े हैं और LT से जुड़े हैं, तो परिशिष्ट का हिस्सा अभी 10-15 श्लोक शायद बाकी है, उसको भी हम लोग देखेंगे 2-4 श्लोक यदि समय मिलेगा तो। लेकिन फिलहाल जहाँ तक अभी आपको बता रहे थे वहीं तक जो लोग अभी 10:30 बजे से आए हैं वो लोग भी संस्कृत के व्याकरण को, वर्णमाला को, स्वर को, व्यंजन को, संस्कृत को जितना दूर तक हम आपको बता रहे थे उतना ही बताएँ। आप कोशिश करिए, 1-2 दिन हम आपको अलग अलग देख रहे हैं जब तक नीत शतक आप पढ़ रहे हो, क्योंकि 10:30 बजे के बाद नीत शतक, तो जो लोग खासकर UGC के लिए समर्पित हैं और प्रवक्ता के लिए समर्पित हैं अथवा व्याकरण पढ़ने के उद्देश्य से आए थे, नीत शतक पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो लोग जा सकते हैं, और बाकी लोग जो अभी आए हैं 10:30 बजे वो लोग फिर से शुरू से वही सुनेंगे जो अभी तक ये लोग पढ़ें। तो हम यहीं तक उपधमानी तक उन लोगों को भी बताने की कोशिश करेंगे जहाँ से शुरुआत आपकी की थी। बस आज इतना ही। नमस्कार।